सेल्फ स्टडी की इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास पाठ्यक्रमानुसार बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अध्ययन से संबंध। तो आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षा को इंसान के व्यक्तित्व के सर्वांगीण, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो मनोविज्ञान है उसको मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों, उसके साथ में व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में इसे परिभाषित किया जा रहा है। व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उनके वैज्ञानिक अध्ययन को परिभाषित किया जा रहा है मनोविज्ञान में, जबकि शिक्षा को इंसान या व्यक्ति के सर्वांगीण, शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो या फिर सामाजिक हो, इन सभी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सर्वांगीण विकास से संबंधित शिक्षा की परिभाषा को समझा जा सकता है। हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालक के व्यवहार में मनोवैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार परिवर्तन लाया जाए, इस बात पर विचार करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है कि जो बालक है उसके व्यवहार में मनोवैज्ञानिक ढंग से, बालक के व्यवहार में परिवर्तन तो लाया जा सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से जो परिवर्तन लाया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो बालक के व्यवहार में मनोवैज्ञानिक ढंग से परिवर्तन लाना है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अर्थात मनोवैज्ञानिक ढंग से परिवर्तन लाना किसके व्यवहार में, बालक के व्यवहार में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, उद्देश्य माना गया है। व्यवहार परिवर्तन का आशय है कि बालक जिन बातों को नहीं जानता उन्हें जाने और अपने जीवन में ढाले। एक बालक होता है, वह कुछ बातों को जानता है लेकिन कुछ बातों को नहीं जानता, उनसे अनजान रहता है। तो उन बातों को जाने और उनको अपने जीवन में ढाले, यह क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। यही बात शिक्षा मनोविज्ञान में कही गई है। जानने का ही दूसरा नाम अधिगम है। अधिगम को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, जानना। हम किसी भी चीज को जानते हैं, सीखते हैं, वो अधिगम के अंतर्गत आती है। और अधिगम को आयु, योनि, बुद्धि, परिस्थितियां आदि अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, अब यही हम बाल विज्ञान या बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ का वातावरण, हमारी बुद्धि जो है वो हमें प्रभावित करते हैं। ये प्रमुख तत्व हैं जो सीखने में प्रभावित करते हैं या अधिगम को प्रभावित करते हैं। आयु भी प्रभावित करती है, जैसे शैशवावस्था में बालक जल्दी सीखता है, बाल्यावस्था में उसका विकास होता है, मानसिक विकास वहाँ भी बहुत जल्दी सीखता है। लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति को कुछ सीखने के लिए कहा जाए, कुछ याद करने के लिए कहा जाए, तो अपेक्षाकृत उसको टाइम बहुत लगेगा शैशवावस्था के बालक की अपेक्षा या बाल्यावस्था के बालक की अपेक्षा। तो यहाँ पर बुद्धि, योनि, आयु अधिगम को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं।
तो अधिगम का दूसरा नाम क्या है? जानने का ही दूसरा नाम क्या है? अधिगम है। शिक्षक को इन सभी बातों को जानना आवश्यक है। जब कोई शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करता है या अध्ययन करवाता है या बालकों को पढ़ाता है, तो उसे इन सभी चीजों का पता होना चाहिए कि बालक किन परिस्थितियों में और कैसे सीखेगा। इन तथ्यों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। बाल विकास का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास। तो बाल का अर्थ बालक से लिया जाता है। जो बालक होता है उसका अर्थ कैसे लिया जा रहा है? बालक से लिया जा रहा है यहाँ पर। और जो विकास है, तो विकास का अर्थ जो है विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों से है। एक बालक है, उसका जन्म होता है, उसका विकास किन किन अवस्थाओं में होता है, उन अवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों से विकास का अर्थ लिया जाता है। नेक्स्ट देखें कि इस प्रकार बालक का विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत आता है। आज हम बाल विकास का जो अध्ययन कर रहे हैं वो एक बालक को केंद्र बनाकर यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कि बालक का विकास किन किन अवस्थाओं में कैसे कैसे होता है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। यही सब जो है इसका अध्ययन बालक का, बालक के विकास का, बालक की जो मानसिक स्थिति है, जो शारीरिक स्थिति है, उसके विकास का जो अध्ययन है वो हम बाल विकास के अंतर्गत करेंगे। देखें कि सामान्य रूप से हम विकास की अवस्थाओं को निम्न प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात है गर्भावस्था की। ये जो गर्भावस्था है वह बालक के जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है गर्भावस्था कहलाती है। उसके बाद की अवस्था आती है शैशवावस्था। बालक के जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। विभिन्न विद्वानों के इन जो अवस्थाओं का जो है विभिन्न भागों में बांटा गया है, इनमें विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई विद्वान शैशवावस्था को 5 वर्ष तक मानता है, कोई 6 वर्ष तक मानता है, कोई इसको पूर्वावस्था, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था में आवंटित करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर शैशवावस्था का जो काल माना गया है वो माना गया है बालक के जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था का जो है अधिकांश विद्वानों ने यही काल माना है। बाल्यावस्था की बात करें तो 6 वर्ष से 13 वर्ष की जो उम्र होती है बालक की वह बाल्यावस्था की उम्र होती है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, एक बालक है, उसका जन्म हो रहा है, जन्म से पहले उसकी अवस्था जो थी वह गर्भावस्था थी, उसके बाद जब उसका जन्म हुआ तो उस अवस्था को हम शैशवावस्था कहेंगे। कब तक कहेंगे? 6 वर्ष की उम्र तक उसकी अवस्था को हम शैशवावस्था कहेंगे। और बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष के बाद से जो है, 6 वर्ष से इसका बाल्यावस्था का जो है काल प्रारंभ हो जाता है। अब नेक्स्ट देखें किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र को किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। बालक किशोर हो जाता है जब 13 उम्र की उम्र में पहुंच जाता है, 13 की उम्र में बालक, तो वो क्या कहलाने लगता है? किशोर कहलाने लगता है, किशोरावस्था कहलाने लगती है। उसमें विभिन्न प्रकार के संवेगों का विकास होने लगता है, उस विभिन्न प्रकार की मानसिक स्थितियाँ उसकी परिवर्तित होने लगती हैं। तो यहाँ पर किशोरावस्था का जो काल रखा गया है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक। फिर रखा गया है एक युवावस्था। 18 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था को युवावस्था के रूप में विद्वानों ने परिभाषित किया है। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष रखा है। और फिर आती है वृद्धावस्था। 55 वर्ष के बाद के काल को वृद्धावस्था कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इन्हीं अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस अवस्था में बालक का किस प्रकार से विकास होता है। अब हम देखते हैं विकास के विभिन्न पहलू। विकास के सबसे पहले हम पहलू देखें कि बालक का विकास किस किस, जैसे एक बालक है उसका शारीरिक विकास होगा, बौद्धिक होगा, स्नायु होगा, तो इस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बालक का विकास होता है, वो कौन कौन से पहलू हैं, उनको हम जानेंगे इस तथ्य के अंदर। तो प्रत्येक व्यक्ति के विकास की, चाहे उसका विकास कम हो या अधिक हो, उसके विकास के निम्न पहलू हो सकते हैं। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो सबसे पहले शारीरिक विकास। एक बालक
गर्भावस्था से विकास करते हुए उसका जन्म होता है बालक का, और गर्भावस्था से ही एक गर्भस्थ शिशु का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और उसका जन्म होता है, जन्म से ही उसका जो है विकास, एक शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो शारीरिक विकास होता है एक बालक का, उसका स्नायुविक, भाषाई, मानसिक, इस प्रकार से एक बालक का विकास होता है। संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। इस प्रकार से हमने विकास के 10 पहलू देखे। ये 10 पहलू जो हैं ऐसे हैं जिनके अंतर्गत एक बालक का विकास होता है, उसका संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक विकास, मानसिक, वहीं शारीरिक और बौद्धिक, ये विकास एक बालक के होते हैं। हम उस बालक की बात कर रहे हैं जिसका जन्म हुआ है। उस बालक का विकास अब निरंतर विभिन्न अवस्थाओं से होकर जो है बालक का विकास होता है। उन अवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि किन किन पहलुओं का विकास होता है, बालक के किन किन पहलुओं का विकास होता है उनको देखा। अब ये विकास किन किन अवस्थाओं में किस गति से होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हम देखते हैं कि वृद्धि के भांति विकास किसी निश्चित सीमा तक नहीं होता। एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। तो वृद्धि के भांति विकास किसी निश्चित सीमा तक नहीं होता, अर्थात जो विकास है वह व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, जबकि वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है। तो वृद्धि के भांति विकास किसी निश्चित सीमा तक नहीं होता, अपितु किसी ना किसी दिशा में अनवरत रूप से चलता ही रहता है। उदाहरण के रूप में देखें कि वृद्धावस्था में मनुष्य की शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती है, परंतु उसका सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता ही रहता है। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो उसके अंदर विभिन्न संवेगों का क्या होता है, विकास होता है। उसको अगर सही टाइम पे खाना ना मिले, भोजन ना मिले, तो उसको गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है, एक प्रकार का संवेग है क्रोध। तो संवेग का, क्रोध नामक जो संवेग है उसका विकास हो रहा है। और वहीं कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित तथ्यों को भी वह जानना चाहता है। तो सामाजिक, संवेगात्मक तो विकास कहीं ना कहीं इसका होता ही रहता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, उसके विभिन्न जो है पहलुओं का विकास होता ही रहता है। जबकि अगर व्यक्ति की वृद्धि की बात करें तो क्या होता है, उसकी अगर हम हाइट देखें तो हाइट एक समय के बाद उसकी वृद्धि रुक जाएगी, हाइट की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन उसका संवेगात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, वहीं धार्मिक विकास भी। कुछ व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें अपने जीवन की अंतिम दशा का आभास होने लगता है, तो वह धर्म आदि क्रियाएं करने लगती है, तो धार्मिक विकास होता है। तो इस प्रकार से वृद्धि और विकास को परिभाषित किया जा सकता है। इसके जो हम विस्तृत अध्ययन है वह अगले बार जो भी हम अध्याय पढ़ेंगे उसमें इसका विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे, वृद्धि और विकास का। यहां सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, वृद्धि भी पढ़ना है, विकास भी पढ़ना है, विभिन्न अवस्थाओं को भी पढ़ना है। एक बालक का जन्म हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है कि एक बालक का जन्म हुआ है, अब उनके विकास को हमें निरंतर जो है देखना है कि शैशवावस्था में उसका किस प्रकार से विकास हो रहा है, बाल्यावस्था का किस प्रकार से विकास हो रहा है, वहीं किशोरावस्था में कौन कौन से संवेगों, कौन कौन से आवेग, किन किन प्रक्रियाएं, कौन कौन से उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, उनको हमें निरंतरता के अनुसार पढ़ना है। ये निरंतरता ही आपको सफलता की कुंजी बन सकती है। दोस्तों, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर उसमें निरंतरता नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है, तो आप उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। आप सोचते होंगे कि हम वीडियो देखकर, आज हमने ये वीडियो देखा, हम दूसरा वीडियो देख लेंगे, तीसरा वीडियो देख लेंगे, हमने पहले हमने अवस्थाएँ पढ़ ली, फिर हम विकासात्मक या विकास को पढ़ लेंगे, वृद्धि पढ़ लेंगे, विभिन्न सिद्धांत पढ़ लेंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें हमारा जो एक वीडियो है बना है पाठ्यक्रम का, अगर आप बाल विकास को पढ़ना चाहते हैं, बाल विकास अगर आपका विषय है, तो सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को देखें।
पाठ्यक्रम के अनुसार आपको देखना है कि हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों अगर आप एक बालक की विभिन्न अवस्थाओं के विकास को जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसके जन्म की अवस्था को आपको जानना होगा। उससे पहले आप उसकी जन्म की अगर अवस्था को नहीं जान पाते हो और आप सोचते हैं कि हम बाल्यावस्था को पढ़ लें, किशोरावस्था को पढ़ लें, शैशवावस्था को छोड़कर, तो आपको वो चीज़ उतनी अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो हमारा एक निवेदन है कि क्रमबद्धता होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अगर आप क्रमबद्धता से पढ़ते हैं तो निश्चित ही वो जो सब्जेक्ट है जो आपके माइंड में बैठेगा वो अलग ही होता है, क्योंकि क्रमबद्धता जो है आपको बहुत कुछ याद दिलाती है और याद रहता है उसमें कि आपने क्या पढ़ा है। और यहाँ पर हमें सिर्फ रखना है, एक बालक को ध्यान में रखना है कि हम एक बालक का जन्म हुआ है और उसके विकास का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जिस प्रकार हमने शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के संबंध में विचार किया था, ठीक उसी प्रकार विकास के विभिन्न पहलू जो है सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी परस्पर संबंध होते हैं, उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जो चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे नैतिक और धार्मिक कैसे भी विकास हो, उनको क्या नहीं हो सकता, पृथक नहीं कर सकते। वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं एक बालक के विकास से। अगर संवेगात्मक विकास हो रहा है तो संवेगात्मक विकास कहीं ना कहीं सामाजिक विकास से जुड़ा होगा, क्योंकि सामाजिक क्रियाओं के अनुसार अगर बालक के अंदर क्रोध नामक जो है एक संवेग का विकास हो रहा है तो वो सामाजिक प्रक्रियाओं से भी जुड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से जो भी विकास होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, यहाँ पर हमें ये जानना आवश्यक होगा। उदाहरण के रूप में देखें कि जिस व्यक्ति का संवेगात्मक विकास उचित दिशा में नहीं होता, अर्थात जिसमें ईर्ष्या, क्रोध आदि हे संवेग, संवेग से तात्पर्य क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं, आवेग हैं, वो क्या कहलाते हैं, संवेग कहलाते हैं। जैसे क्रोध है, क्रोध एक आवेग का कार्य करता है। आपको अगर आप अभी प्रेम की भाषा बोल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, कहीं अचानक कोई आपसे लड़ने आ जाए तो एक क्रोध नामक जो संवेग उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, संवेग की श्रेणी में रखेंगे क्रोध। या फिर ईर्ष्या जो आपको होती है, किसी को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या हो रही कि वो इतना पढ़ रहा है, हमें इतना याद नहीं हुआ है, वो कलेक्टर बन गया, हमें जे नहीं हुआ वो, तो एक प्रकार से जो ईर्ष्या होती है उसे हम संवेग की श्रेणी में रखेंगे। तो संवेग का जो प्रधान है उसका सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति का संवेगात्मक विकास उचित दिशा में नहीं होता, संवेग जो होते हैं हमने बताया कि ये संवेग होते हैं, अगर इनका उचित दिशा में क्या नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है, तो उसका सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये संबंधित होते हैं कि अगर आपको संवेग, आपके अंदर अगर क्रोध आ रहा है और क्रोध के मारे आपने कोई अनहोनी वाला कार्य कर दिया, बहुत बड़ी घटना घटित कर दी, तो अब इससे आपके सामाजिक कार्य भी, सामाजिक विकास भी क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से विकास की जो पहलू हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, ये हमने जाना। अब देखते हैं कि कभी कभी एक दिशा में विकास होता है तो कभी दूसरी दिशा में जो है ह्रास भी होता है। कहीं आपका सामाजिक विकास हो रहा है तो वहीं आपका संवेगात्मक विकास का ह्रास भी हो रहा है। आप समाज से जुड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने शारीरिक विकास, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हमें परीक्षा में पास होना है, तो कहीं ना कहीं आपके शारीरिक विकास में क्या होगा, ह्रास होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, शरीर पे, अपने जो शरीर है उस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो शारीरिक विकास क्या हो जाएगा, बाधक हो जाएगा, बाधा पहुंचेगी उसमें। तो वही बात हो रही है कि कभी कभी एक दिशा में विकास होता है तो दूसरी दिशा में ह्रास भी संभव है। उस दशा में दोनों प्रकार के विकास का पारस्परिक संबंध ऋणात्मक होगा। सभी प्रकार के जो विकास हैं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और परस्पर क्या रहते हैं, संबंध भी होते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जिन बच्चों का मानसिक विकास जितना अधिक होगा उनका शारीरिक विकास उतना ही अधिक अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा है वह मानसिक अगर उसका विकास हो रहा है तो मानसिक क्रियाओं में वो बहुत रुचि ले रहा है, तो वह कहीं ना कहीं शारीरिक जो अपना शरीर है उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा।
तो कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। और अगर कोई बालक है वो शारीरिक विकास में ज्यादा ध्यान दे रहा है तो उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये जो है विकास की एक प्रमुख जो है चरण माना गया है और प्रमुख जो है तथ्य माना जाता है। इसका मूल कारण यह है कि ज्यों ज्यों बच्चे मानसिक कार्यों में उलझते हैं त्यों त्यों उन्हें शारीरिक कार्य करने के लिए कम अवसर मिलता है, परिणामतः उनका शारीरिक विकास क्या हो जाता है, अधिक नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हमने बताया कि अगर मानसिक कार्यों में आप रुचि लेंगे तो शारीरिक कार्यों में, शारीरिक अवस्थाओं में, शारीरिक विकास में आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे तो शारीरिक जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो हमें यही चीज अध्ययन करना है, क्या करना है कि शैशवावस्था में बालक का विकास, के इस विकास पर यहाँ पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, बालक का विकास पढ़ रहे हैं। ये चीज हमें जो है शाब्दिक रूप से सबसे पहले पढ़नी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, बाल विकास अर्थात बालक का विकास पढ़ रहे हैं। तो विकास को हमें विभिन्न पहलुओं में पढ़ना है, विभिन्न अवस्थाओं में पढ़ना है कि बालक का विकास किस अवस्था में किस प्रकार से हो रहा है, कौन कौन से परिवर्तन हो रहा है, वो चीज हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब देखें कि इसके विपरीत मंदबुद्धि बालकों का विकास शारीरिक दृष्टि से अधिक होता है और मानसिक दृष्टि से कम होता है, क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक है वह मानसिक कार्यों में रुचि ले ही नहीं रहा, तो वह शारीरिक का जो उसका विकास होगा तो वो कैसा होगा, वो अधिक होगा और मानसिक जो विकास है वह पिछड़ जाएगा। तो ये जो है विकास का महत्वपूर्ण जो है तथ्य माना जाता है। नेक्स्ट देखें व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नताओं से आशय है कि विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी सोच होती है, शारीरिक बनावट होती है, मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। बाल विकास में विभिन्न बालक जो हैं एक समान नहीं सोचते हैं, उनका शरीर एक समान नहीं होता है, उनकी वातावरण एक समान नहीं होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, व्यक्तिक भिन्नता कहलाते हैं। हमने यही देखा है कि व्यक्तिक भेदों के मूलतः दो ही कारण हैं। क्या कारण हैं दो, कि बच्चे अनुवांशिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सर्वप्रथम जो कारण है व्यक्तिक भिन्नता का वो यही है कि बच्चे अनुवांशिक दृष्टि से एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्योंकि जो है आनुवांशिक वंश जिसे हम कहें कि अलग अलग प्रकार के वंश होते हैं, अलग अलग माता पिता होते हैं, तो आनुवांशिक जो है सबसे बड़ा कारण है काय का, व्यक्तिक भिन्नता का। जो है एक बालक है किसी वंश में पैदा होता है तो उस वंश के कुछ अंश उसके अंदर क्या होते हैं, व्याप्त होते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं, एक दो बालक हैं अलग अलग वंशों में उनका जो है जन्म हुआ है तो दोनों बालकों में अलग अलग आनुवांशिक गुण पाए जाएंगे। ये व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट देखें कि वातावरणीय प्रभाव भी उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते हैं, क्योंकि उनका विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी दृष्टियों में समान नहीं होता है। अब एक परिवार में एक बालक का जन्म होता है, दूसरे परिवार में एक बालक का जन्म होता है, एक परिवार बहुत समृद्ध है, अमीर है, दूसरा बालक एक गरीब है, तो उसके जो वातावरण है, एक गरीब परिवार का वातावरण अलग होगा, अमीर परिवार का वातावरण अलग होगा। तो जो वातावरणीय प्रभाव है वो अमीर जो बालक है उस पर जो है अलग पड़ेगा और जो गरीब है उस पर अलग पड़ेगा। तो आनुवांशिक एक सर्वप्रथम पहला कारण हो गया, और दूसरा कारण क्या हो गया, वातावरण का भी उसके शारीरिक, मानसिक और जितने भी पहलू हैं विकास के उनमें पड़ता है वातावरण का प्रभाव। जिस प्रकार सभी बच्चों के विकास की गति समान नहीं होती, ठीक उसी प्रकार एक ही बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के जितने पहलू हैं उनका विकास भी समान गति से नहीं होता। क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सभी बच्चों का जो विकास है की जो गति है, जैसे एक अमीर जो बालक है उसके जो विकास की गति है वो अलग होगी और गरीब बालक के विकास की गति अलग होगी, उसी प्रकार एक बालक में जितने भी विकास के पहलू होते, जैसे सामाजिक होता है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है, ये विकास के पहलू होते हैं, सभी जो पहलू होते हैं उनका विकास क्या है, समान गति से नहीं होता है। किसी का मानसिक जो है बुद्धिमान होता है, कोई कोई मूर्ख होता है, कोई शारीरिक दृष्टि से बलवान होता है, तो ये जो विकास होते हैं वो समान गति से नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो किसी भी बालक की सामाजिक विकास की जो गति होगी
ठीक बहिर्गति संवेगात्मक विकास की भी हो, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यहाँ पर सामाजिक विकास एक पहलू है और यहाँ पर संवेगात्मक विकास भी एक पहलू है विकास का। तो सामाजिक विकास की अगर जो गति है वह संवेगात्मक विकास की गति हो, यह सब बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि दोनों की गति बराबर हो। किसी में सामाजिक विकास बड़ी द्रुत गति से होता है तो किसी में नैतिक विकास बड़ी तेजी से होता है। यहाँ पर ये चीज हमने समझ लिया अच्छे से। अब अगर हम बात करें विकास और वृद्धि की, तो विकास को वृद्धि से सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विकास और वृद्धि क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास और वृद्धि, वृद्धि किसी अंग विशेष की होती है, जबकि विकास जो है समूचे शरीर का होता है यहाँ पर। लेकिन जो वृद्धि होगी वह विकास के अंतर्गत ही आएगी। अगर आपकी कोई एक उंगली है जो क्या हो गई, एक मोटी हो गई, या एक हाथ जो है आपका मोटा हो गया, दोनों हाथ मोटे हो गए, तो इनमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन आपके जो शरीर है उसमें उसके अंतर्गत ही ये वृद्धि हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, इसका जो है विकास हो रहा है। तो विकास के अंतर्गत ही जो है वृद्धि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तृत रूप से। अब हमने जो पढ़ा है उसके बारे में एक प्रश्नावली तैयार की गई है। आप जो है इन प्रश्नों को हम आपको बताएंगे, इनके प्रश्न के जो उत्तर हैं वो अभी हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में सर्वप्रथम हम इनके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इन जे ही टॉपिक जितना हमने पढ़ा है उन्हीं से एक क्वेश्चन लिए हैं, सरल क्वेश्चन है। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है और समझ में आपको आ गया है तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उत्तर जरूर बताएंगे। प्रश्नावली में हमने रखे हैं, सबसे प्रथम जो रखे हैं वो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न रखे हैं। फिर जो है रिक्त स्थान सत्य असत्य प्रकार के जो है, इस प्रकार से एनसीईआरटी से संबंधित जो है हमने रखे हैं कि एक बालक अगर जो पहली से पांचवी पढ़ता है, आठवीं तक पढ़ता है, तो किस प्रकार से उसका जो है एक अध्ययन का जो एक विधि होती है, उस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को रखा है। तो सर्वप्रथम जो प्रश्न रखा है कि अधिगम क्या है, अधिगम हमने पढ़ा सर्वप्रथम, तो अधिगम क्या है, विकल्प दिया है पढ़ना, सीखना, लिखना और इनमें से कोई नहीं, आपको उत्तर इसका बताना है। नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से संवेग है, जागना, बैठना, मारना या फिर क्रोध, इनमें से एक उत्तर का आपको चयन करना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 वर्ष से 13 वर्ष की आयु विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है, तो बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था जो है यहाँ पर विकल्प दिया है, आपको उत्तर इसका बताना है। नेक्स्ट दिया है विकास का अर्थ है परिवर्तन, वृद्धि, अभिवृद्धि या फिर स्वस्थ, ये प्रश्न आपको उत्तर बताना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से विकास का पहलू नहीं है, बौद्धिक, भाषाई, वजन बढ़ना या फिर इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं सत्य असत्य को बताइए। तो पहला दिया कि शैशवावस्था का काल 6 वर्ष से 13 वर्ष तक माना गया है, ये कथन असत्य है या सत्य आपको बताना है। वजन बढ़ना विकास का उदाहरण नहीं है, स्नायुविक विकास का पहलू नहीं है, ये भी आपको बताना है। वृद्धि और विकास परस्पर संबंधित हैं, ये कथन सत्य है या असत्य आपको जो है देखकर बताना है। सभी बच्चे आनुवंशिक दृष्टि से समान होते हैं, ये सत्य असत्य के कुछ प्रश्न हो गए। अब देखें हम रिक्त स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो किशोरावस्था का काल खाली स्थान है, पहला जो रिक्त स्थान है। दूसरा है अधिगम को प्रभावित करते हैं, खालिस्तान प्रभावित करते हैं। तीसरा है अधिगम का दूसरा नाम खालिस्तान है। चौथा है व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है, और पांचवा है ईर्ष्या, बालक के खालिस्तान विकास का पहलू है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके उत्तर बताएंगे। जब तक आप कमेंट के माध्यम से इन प्रश्नों के जो है उत्तर बता सकते हैं और प्रश्नावली के उत्तर देने का प्रयास जरूर करें दोस्तों कमेंट के माध्यम से, हमारे द्वारा इनके उत्तर अगले वीडियो में दिए जाएंगे। और आपसे एक बता दें कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। निरंतर इसी प्रकार पाठ्यक्रमानुसार जो भी आप बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें बाल विकास अगर पूछा जाता है तो आप
हमारे वीडियो जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा और हमारे द्वारा क्या सुधार किए जाएं वो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। जय हिंद।